चंडीगढ़ में पिछले दिन हुए मेयर चुनाव को देखते हुए बीते बुधवार को शहर में पूरा दिन गहमा गहमी का माहौल बना रहा। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस के मेयर उम्मीदवार कुलदीप टीटा की ओर से चुनाव के दौरान मौजूद पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की शिकायत की गई और उन पर तुरंत FIR दर्ज करने की मांग की गई। वहीं दूसरी ओर नगर निगम कार्यालय के बाहर चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस की तरफ से भाजपा और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि चुनाव के दौरान मौजूद पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की ओर से धक्केशाही से इंडिया अलायंस की 8 वोटों को इनवैलिड करार कर दिया गया है ताकि भाजपा की तरफ से मेयर बनाया जा सके। वहीं काफी निंदनीय है ये और उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जो कल लोकतंत्र की हत्या हुई है उसके खिलाफ यूथ कांग्रेस आज यहाँ पे धरने पे बैठी है। जवाब मांग के जाएंगी कि इतनी घिनौनी इतनी नीच हरकत एक मेयर के इलेक्शन के लिए कर सकती है तो ये आने वाले मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या नहीं कर सकती। तो आज जवाब मांगने आए हैं मेयर साहब से कि आपका जमीर अलाउ कर रहा है इस कुर्सी पे बैठने के, क्या आप सच से कल मेयर बने हो? भैया किस तरीके आप लोगों ने देखा कि कल किस तरीके से बीजेपी सरकार ने इतनी धांधली करके लोकतंत्र की हत्या की और किस तरीके से अपना मेयर उसी पर बाजी किया, उसी के अगेंस्ट ये जो धरना प्रदर्शन है ये कंटिन्यू रहेगा। एक तरफ भगवान राम का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ काम रावण वाले कर रहे हैं। मुझे तो ये दुख होता है कि आज जनता आपके माध्यम से जो देख रही है उसको ये पता होना चाहिए कि आने वाला लोकतंत्र का जो लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें कितनी धांधली हुई थी और होगी। जिस तरह से आप सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा चंडीगढ़ जानता है कि जिस तरह से इन्होंने कल लोकतंत्र की हत्या की है मेयर के इलेक्शन में, क्योंकि कल के दिन 30 जनवरी को गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी और कल के दिन ही गोडसे के पुजारियों ने चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या कर दी। बीजेपी के 16 वोट वैलिड, लेकिन दूसरी पार्टी के कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी पार्टी के जो वोटिंग थी उनमें से 8 इनवैलिड कैसे हो गए? वो शिकायत जो है कुलदीप कुमार टीटा की तरफ से है, जो मेयर के कैंडिडेट थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के और इंडिया अलायंस के, जिस तरीके के धक्केशाही कल की गई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जिस तरह का कंडक्ट रहा, जिस तरह की प्रोसीडिंग्स रही, उस सब के बारे में ये शिकायत है। 12 वोटां जड़ियां ने ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਔਰ 8 ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜਿਸ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ, ਨਕਲੀ ਮੇਅਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 20 ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 16 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਕੋਰਟ ਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਉਸਕੋ ਕੇਸ ਕੋ ਦੇਖਤਾ ਹੈ। ਹਮੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਨਕੋ 3 ਵੀ ਹਫਤੋਂ ਕਾ ਸਮੇਂ ਦਿਆ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਉਨਕੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਏਂਗੇ ਕਿ ਹਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਥੇ। ਉਨਕੋ ਜਵਾਬ ਆਪਣਾ ਉਸਕੋ ਪੂਰਾ ਰਿਪਲਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਬ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਗੀ। ਹਮੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਜਬ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇਗੀ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਸ ਕੋ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਸ ਪੇ ਕੈਸੇ ਉਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਕ ਕੇ ਸਾਥ उसने टेम्पर किया हुआ है। एक रीजनल पार्टी के हाथों ये एक नेशनल पार्टी बिक्री है तो उसका दोष हमारा नहीं है ना, ये इनको काम करना चाहिए। कुछ भी बोल देंगे जी, ये बोल देंगे राम काल्पनिक थे, ये बोल देंगे हमने मंदिर नहीं जाना, फिर बाद में फिर धरने में बैठ देंगे हमें मंदिर लेके चलो। कोई इनका किसी लेवल पर करेक्टर है?